कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर में डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया है। इसके विरोध में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल के कारण बड़े अस्पतालों में मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हड़ताल वापस ले ली। हालांकि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया कि वे बुधवार को भी हड़ताल जारी रखेंगे। फार्मा डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि कुछ संगठनों ने हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन फार्मा हड़ताल जारी रखेगी। उनका कहना है कि उनकी सिर्फ एक मांग, जो कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की थी, पूरी हुई है, लेकिन उन्हें राज्य या केंद्र सरकार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला है। डॉक्टर कृष्णन ने आगे कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम की सख्त जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इस हड़ताल के दौरान देश भर में 60 से अधिक मेडिकल कॉलेजों और उनके संबंध संस्थानों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एजुकेट होकर विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि जब तक केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, हड़ताल जारी रहेगी। ओडीपी और वैकल्पिक ऑपरेशन थिएटर सेवाएं बंद रहेगी, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मंगलवार को एम सफदरगंज, RML, लोकनायक, जीपी पंत समेत दिल्ली के 18 से अधिक अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। इस दौरान ओडीपी सेवाएं 50 से 70% तक प्रभावित नहीं और नियमित सर्जरी पूरी तरह से ठप हो गई। डॉक्टरों ने पैदल मार्च और विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी। सभी डॉक्टरों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की और कहा कि जब तक यह अधिनियम लागू नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर समेत कई शहरों में भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे।